स्टूडेंट्स बेटा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आपका जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है इसका कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये सेट नंबर 3 मुझे एक बच्चे ने भेजा है, और इस वीडियो में इसी सेट के जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा। और इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने यानी किसी एक बच्चे ने भेजा हुआ था किसी सेट का ग्रामर सेक्शन, तो मुझे कन्फर्म नहीं वो कौन सा सेट था, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी। आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या वो आंसर्स अगर आपके सेट किए हैं तो आप जरूर वहां से आंसर मैच करिएगा। बट लेट सपोज किसी बच्चे को किसी अपने पार्टिकुलर सेट का आंसर ना मिला हो तो आप मुझे मेरे नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ 85 नीचे लिख दे रहा हूँ 8506890868, इस पर आप PDF भेज दीजिएगा तो मैं आपको उस सेट का भी आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इस सेट की बात करते हैं। सॉरी थोड़ा सा आंसर मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से मैं बाहर था, तो आज ये पेपर मुझे मिला तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, सीधा मैं आंसर की बात करूँगा, डिस्कशन करूँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। पहला ये है कि अवलांच कैन बी कॉज्ड बाय, अवलांच किसकी वजह से होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, न्यू स्नो और रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट विच अलाउ एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट द अवलांच इन टू अवलांचेस इन 2 सेंटेंसेस। देखिए ये आंसर आपका डायरेक्टली आपके पैराग्राफ में आपको मिल गया रहेगा। आई होप ये एग्जैक्टली आपको दिया था कि उनके यानी कि रूट पे क्या जो बर्फ होती ताजी वो गिरती हुई। ये देखिए व्हेन ओवर अ फूड फ्रेश स्नो फॉल्स एक्सपर्ट्स न्यू टू बी लुक आउट फॉर एवलांस। तो यहाँ से आपका आंसर है, आपको यहाँ से अपने आंसर को बना के लिखना था पैराग्राफ नंबर 3 से। तो इस लाइन से अगर आपने आंसर बनाया तो आपका आंसर सही होगा। ओके चलिए खैर आगे चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ आपको कह रहा है कि विच सॉरी थर्ड भी यहाँ पे मेंशन टू रीजंस विच डिस्ट्रॉयड नेचुरल सीनरी, तो ये भी आप पैराग्राफ से सॉल्व कर लीजिए। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वे अपोजिट ऑफ ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर का अपोजिट किया तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर जाएगा प्रिवेंट के साथ, क्योंकि स्पार्क और प्रोवोक वो एवलांच को क्या करते हैं और एग्जैजरेट करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही होंगे, ये ऑप्शन मैच ही नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिफ्थ की बात करें तो द राइटर विल एग्री विद द सेंटेंस बेस्ड ऑन लास्ट पैराग्राफ, तो लास्ट पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बेटा सही है, पीपल कॉट इन एवलांच कॉट एंड ट्राई विन टू द टॉप, ओके स्विम टू द टॉप। अब यहाँ पे सिक्स की बात करते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन करेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो, यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, यू मे नॉट हैव एन आइडिया विच वे इज अप एंड विच वे इज डाउन, अप एंड डाउन ये दो अंडरलाइन वर्ड है, इन्हीं के बेसिस पे आपको अपने आंसर को फाइंड आउट करना था। तो बेटा यहाँ पे आपका ए सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है कि अप एंड डाउन एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे गैदर एंड डिस्पर्स भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं, तो ये सही होगा। बाकी ट्रेंडियल हैवी सिनोनिम है, अनइजी अनकंफर्टेबल सिनोनिम है, मोर एंड बिगर भी सिनोनिम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, द मेजर कॉज विच डू नॉट ट्रिगर एवलांच, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि जितने भी हैं यहाँ पे अर्थक्वेक्स स्नोफॉल और हैवी ये सब एवलांच के कारण है, यहाँ पूछा विच नॉट ट्रिगर, जो ट्रिगर नहीं करता है तो वो होगा प्लास्टिक वेस्ट। काफी ईजी पैराग्राफ आया हुआ था ना। यहाँ पे देखिए प्लस एक्सप्लोजिव्स कैन बी यूज इन प्लेस, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना था बेटा, और ये आपको कंप्लीटली थर्ड पैराग्राफ में देखिए दिया कि इसी को आपको पूरा लिखना था, विच मैसेज शुड बी बिल्ड अप स्मॉल एवलांच एंड जस्ट सेकंड, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस, हाँ ये देखिए यहां से आपको लिखना है यूज इन प्लेसेस तक आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसके आगे विद मैसिव बिल्ड्स अप अ टाइप ट्रिगर स्मॉलर एवलांच दैट डोंट पोज अ डेंजर टू पर्सन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखना था। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली मैं बेटा आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको अपने आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। यहाँ पे डेडली का मतलब यहाँ बेटा आपका स्केरी होगा, ओके डी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर की बात करें यहाँ पे सुटेबल हेडिंग क्या होगा, यहाँ पे सुटेबल हेडिंग बेटा एवलांच होगा, कुछ बच्चे यहाँ पे शायद जाना चाहेंगे एडवेंचर एंड एडवेंचर विद स्नो यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा बेटा, इसमें देखिए जितने भी बात की गई है कंप्लीटली एवलांचेस के बारे में ही बात की गई है, यहाँ पे एडवेंचर की बात नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर बी मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगा। ओके तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब चलिए देखिए पैराग्राफ नंबर 2 में आ जाती है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, इन फॉर वन रीजन दैट फॉलो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ 1 रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज नॉट ईजी, तो इसको आपको पैराग्राफ 1 के बेसिस पे बताना है, आपको पूरे पैराग्राफ के बेसिस पे नहीं बताना है। तो यहाँ पे देखिए आसान क्यों नहीं है, तो पैराग्राफ के बेसिस पे आप यहाँ पे ये आंसर देंगे इसलिए आसान नहीं है, क्योंकि
द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज इनॉर्मस, ओके, कंजेशन इज इनॉर्मस, तो ये आपका रीजन होगा पहले आंसर के लिए, फाइन। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड की तरफ। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेटा जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ के बेसिस पे मैं इन दो ऑप्शन के साथ जाऊंगा, वन एंड टू के साथ। यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ कार्स, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वन एंड टू। सॉरी, थर्ड देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, एक एनालॉजी यहाँ पे दिया गया है, ऑर्गेनाइज एंड कॉटिक, और तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोवेस्ट के साथ मैं पीक बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे क्या है, एंटोनिम्स है, और यहाँ पे जो मुझे मिला है कि लोवेस्ट का जो अपोजिट होगा वो पीक होगा, ठीक, जहाँ पे एक चीज लोवेस्ट पे है, दूसरी चीज बिल्कुल पीक पे है, ये आंसर होगा। यहाँ पे हम बात करें फोर्थ की बेटा, तो द व्हीकल एमिट्स पॉल्यूटेंट्स विच अफेक्ट्स इन्वायरमेंट बैडली, यहाँ पे ऑप्शन आपको जाएगा इन्वायरमेंट जाएगा। फिफ्थ की बेटा बात करें तो यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल रिड्यूस, ये क्या रिड्यूस करेगा, ट्रैफिक कंजेशन को ये रिड्यूस करेगा, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज स्टेट्स द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कंजेशन, तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होगा वन एंड थ्री, लास्ट ऑप्शन, यानी कि स्टार्ट कारपूलिंग एंड इंक्रीज इन पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हो सकते हैं बहुत से बच्चे ऐसे जिनके क्वेश्चन जंबल्ड होंगे, तो आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट एन ऑर्गेनाइज ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर वन में ही मिल गया होगा, तो इसको आप लोग चाहे यहाँ से बना के लिख भी सकते हैं कि अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, तो भाई आपको प्राइवेट व्हीकल्स जो यूज होते हैं उस पर आपको रोकथाम, यानी कि आप लास्ट पैराग्राफ जो देखिए आपके एग्जाम में दिया गया था पैराग्राफ नंबर फाइव, यहाँ से आप आंसर अपना चूज कर सकते हैं, ये सिटीजन डेली, ये पूरा यहाँ से आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसे बना के लिखना तो आपने आई होप लिखा होगा। फिलहाल नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सो देयर आर डैश कॉन्सिक्वेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्स, बिल्कुल उसका नेगेटिव क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है अगर ट्रैफिक आपका इंक्रीज बढ़ रहा है दिक्कतें तब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपको पॉन्डर्ड, इसका आपको क्या लिखना है, वन वर्ड सिमिलर मीनिंग, तो देखिए पॉन्डर्ड का मतलब होता है चिंतन करना, मंथन करना, तो कई सारे वर्ड आप लिख सकते हैं, आप थिंक कर सकते हैं, मेडिटेट भी कर सकते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं, कई सारे वर्ड हैं। पॉन्डर्ड का मतलब होता है कि कंफ्यूजन में, डिलेमा में रहना, परेशान होना किसी चीज के सोल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे आप थिंक या फिर मेडिटेशन या फिर इंट्रोस्पेक्ट, कई प्रकार के वर्ड है जिनको आप यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आपको पॉइंट वैल्यू में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, फिर इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, द बर्गलर आपका सही ऑप्शन हो गया, यहाँ पे सी नंबर ब्रोक इनटू हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो आप यहाँ देखिए फिल करेंगे कि आपको इस वाले को नरेट करना है, द कस्टमर का जो सेंटेंस है, तो विच कस्टमर रिस्पॉन्डेड, देखिए रिस्पॉन्डेड बेटा यहाँ पे आपका पास्ट में है, मैंने आपको सिखाया कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तब जो स्टेटमेंट दिया गया उसको भी आप पास्ट में ले जाएंगे, तो रिस्पॉन्डेड के बाद आप कंजक्शन दैट लगा देंगे। क्यों दैट लगाएं, क्योंकि जो कस्टमर है उसने एक असर्टिव सेंटेंस बोला है। अब आप देखिए इसको चेंज करेंगे, तो कस्टमर ने क्या बोला कि आई एम लुकिंग फॉर मोर कलरफुल वन, तो यहाँ देखिए कस्टमर का यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं कि मेल है कि फीमेल है, बच्चों की यहाँ देखिए नेकलेस की बात हो रही, तो बेसिकली एक आइडिया लगा ले सकता है वो लड़की होगी, तो यहाँ पे आई कौन है कस्टमर, तो यहाँ पे आप आई को शी में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, शी में। अगर किसी ने ही भी लगाया है तब भी चलेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म नहीं कि जो कस्टमर है वो मेल है कि फीमेल है, एक आइडिया के हिसाब से वो फीमेल है। अब देखिए एम को चेंज करेंगे हम पास्ट में, तो इस एम आर का पास्ट वॉज वर होता है, तो सी के साथ बेटा आप क्या लगाएंगे, वॉज, तो यहाँ पे आप बोलेंगे शी वॉज, दैट शी वॉज लुकिंग फॉर मोर कलरफुल वंस, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट शी वॉज लुकिंग फॉर मोर कलरफुल वन। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं, थर्ड एक आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर की लाइन है, तो देयर डैश हैवी रेन फेल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द अरबियन सी, भाई बारिश होगी, यहाँ पे शुड बी ऑट टू बी मस्ट बी आप बिल्कुल नहीं फिल करेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका डी नंबर होगा। और ग्रामर वाले जो भी बच्चे, प्लीज आप लोग अपना मार्क्स भी शेयर करिएगा कि ये जो ग्रामर का आपके 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए कितने आंसर्स आपके सही थे, ठीक है। और चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक पूछा है, तो ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी कॉल्स आउट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ बेटा जो आंसर होगा आपका बी नंबर सही होगा, आउट की जगह पे फॉर होना चाहिए, बाकी सब कुछ मुझे ठीक ठाक लग रहा है। फिफ्थ की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा द एथलेटिक्स परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल एरेना, यहाँ पे आप कहेंगे कि ब्रॉट अबाउट,
यहाँ पे आपका आंसर ब्रॉट अबाउट हो जाएगा। कुछ बच्चों कंफ्यूजन रहा होगा कि सर ब्रॉट अप होगा क्या, तो नहीं बेटा ब्रॉट अप नहीं होगा, यहाँ पे ब्रॉट अबाउट होगा, क्योंकि ब्रॉट अबाउट का मतलब किसी की वजह से जो परिणाम मिलता है उसे बोलते हैं, और ब्रॉट अप का मतलब नर्चरिंग होता है, पालन पोषण के सेंस में यूज होता है। यहाँ पे देखिए विल की जगह पे आपको एक वर्ड यूज करना था कि क्या सुटेबल होगा, तो विल की जगह पे बेटा वुड होगा, क्योंकि वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ओके, काफी कॉमन सा वर्ड था। जरा ये सेंटेंस देखते हैं, डॉटर का ये जो सेंटेंस उसे आपको चेंज करना है। मदर ने बोला कि व्हाट डू यू वांट टू गो ऑन अ टूर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सिटी। डॉटर ने बोला आई एम क्यूरियस टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड अवर रिच हेरिटेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दैट डॉटर सेज, देखिए डॉटर सेज लिखा है, सेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, यानी कि यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तब आप जो स्टेटमेंट होगा उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करोगे, यानी कि टेंस चेंज नहीं करोगे, बाकी सारी चीजें करोगे। लड़की ने डॉटर ने एक सिंपल सेंटेंस बोला था, तो बेटा कंजक्शन आप लगाओगे दैट, क्या लगाओगे दैट, द डॉटर सेज दैट। अब आई चूंकि प्रोनाउन है, आई कौन है, डॉटर लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, सी, तो दैट के बाद लिख देंगे आप शी, फिर इज एम आर को चेंज नहीं करेंगे, तो अब सी के साथ भाई आई के साथ एम लगता है, लेकिन सी के साथ क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, ये चेंज होगा शी इज, तो शी इज क्यूरियस टू लर्न अबाउट पास्ट, यहां तक आप एज इट इज आगे लिख देंगे, एंड आवर, आवर यहां पे मिल गया है, आवर मतलब किसी किसकी बात हो रही है, मदर और डॉटर दोनों की बात हो रही है, तो यहां पे हो जाएगा देयर, आवर की जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, देयर रिच हेरिटेज, यहां पे आगे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, शी is curious to learn about the past and their rich heritage. ये आंसर हो जाएगा। एट नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो एट नंबर क्या, the new machines are used to identify different among two. देखिए among two लिखे, साफ साफ दिख गया, देखिए बेटा जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो among का यूज नहीं करते, among का यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं, तो यहाँ पे among में गलती है, और among की जगह पे यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच जब कोई कहानी होती है बेटा तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। नाइन नंबर की बात करते हैं, राखी शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विद राकेश अबाउट हर स्कूल कैम्बेंटन रिपोर्ट रमेश क्वेश्चन, तो रमेश की क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करना है, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ऑन योर ट्रिप। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच कंफर्म नहीं बताई गई है कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, बट हाँ प्रश्न के हिसाब से लग रहा है भाई उसने रिपोर्ट कर दिया है, तो रिपोर्टिंग स्पीच डेफिनेटली पास्ट में होगी, आपको ये मान करके यहाँ पे नरेशन बनाना होगा, क्योंकि क्या कि राखी शेयर्ड यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि भाई पास्ट में आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी टेंस आप चेंज करेंगे बेटा। तो ये देखिए वॉट चैलेंजेस हैं, डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसका नरेशन में आप क्या लिखेंगे, वॉट चैलेंजेस आप एज इट इज रहेगा, यानी कि आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, तो आप लिखेंगे वॉट चैलेंजेस, पहले आप लिख देंगे, मैं पूरा लिख ही दूं, नहीं आप देखिए वॉट मैं बोल रहा हूँ आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में दिक्कत होगी जरा, क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे नहीं हूँ बेटा ऑनलाइन, सो जब मैं ये रिकॉर्ड करूँ तब मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ, सो वॉट चैलेंजेस डिड, देखिए यहाँ पे डिड नहीं करेंगे, पहले नरेशन मैंने आपको सीखा, पहले आप यू को सॉल्व करेंगे, सो वॉट चैलेंजेस यू को आप चेंज कर देंगे शी में, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यू कौन है, यू राखी है, राखी एक लड़की है, तो वॉट चैलेंजेस और डिड का पास्ट होता हैड, मैंने नरेशन में आपको सिखाया हुआ है, सो वॉट चैलेंजेस शी, यू को क्या बोलेंगे शी, और डिड को आगे ले जाएंगे, सो वॉट चैलेंजेस शी हैड, फेस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेस्ड, क्योंकि हैड का थर्ड फॉर्म लगे, वॉट चैलेंजेस शी हैड फेस्ड ऑन, और योर हो जाएगा हर ट्रिक, ओके, सो वॉट चैलेंजेस शी हैड फेस्ड ऑन हर ट्रिक, इसका ये आंसर होगा। चलिए यहां पर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, यू शुड इज योर चाइल्ड सिटिंग एट होम, इज You dash send your child to school. तो यहाँ पे सिंपली मेरे हिसाब से आंसर होगा मस्ट, कुछ लोग शुड को प्रीफर करेंगे, बट मेरा मानना बेटा यहाँ पे है कि यहाँ पे इंसिस्ट किया जा रहा है, डेफिनेटली आपको अपने बच्चे को घर स्कूल में ले जाना चाहिए, अवश्य इंसिस्ट करने की बात है, केवल एडवाइस नहीं है, यू मस्ट, तो यहाँ पे शुड कम अप्रोप्रिएट होगा, शुड का अर्थ आपको मिल रहा होगा, बट शुड मेरे हिसाब से उतना अप्रोप्रिएट बच्चा नहीं, यहाँ पे मस्ट ज्यादा आपका परफेक्ट होगा। अब जरा 11 नंबर को यहाँ देखते हैं, सो सिलेक्ट करने की बात, ये देखिए ऑलरेडी यही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था इसके प्रीवियस सेक्शन में, जो भी सेट था उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बेटा सही है, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये ऑप्शन सही होगा। आपका 12 नंबर भी पुराने सेट से मिल रहा है, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, और यहाँ बेटा जो करेक्शन है वो डेस्टिनेशन लिखा है ना यहाँ पे, लिखी तो डेस्टिनेशन में गलती है, यहाँ पे डेस्टिनेशन में एस एड करना है आपको करेक्शन वाले पार्ट में, ओके, तो एरर है डेस्टिनेशन और करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन। अब देखिए ये काफी इजी आया हुआ था, कई बार मैंने आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस कराया था, आई होप आपने जो मेरी वीडियोस देखी होगी उसके बाद आप लोगों को ये पार्ट काफी ज्यादा इजी लगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे। अब जरा आते हैं लिटरेचर के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, सो
ऑन द सर्फेस इट अपीयर्स दैट एनी द 13 ईयर ओल्ड गर्ल, तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ क्या है, इस पूरे सर्फेस पे जो ये 18 ईयर ओल्ड गर्ल क्या बिल्कुल अकेली है, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, रियल फ्रेंड नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है, ये आगे आपको ऐड कर देना इंग्लिश दैट शी हैड नॉट एनी ट्रू फ्रेंड, ठीक है। सेकंड का जो सही आंसर होगा बेटा वो कैसे कह सकते हैं वो अलोन है पूरे संसार में, क्योंकि वो किसके लिए परेशान है, एक ट्रू फ्रेंड के लिए परेशान है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसके थर्ड की बात करें बेटा तो वो एनी और सारे फ्रेंड्स आपस में कौन सी बातें करते हैं, कॉमन एवरीडे थिंग्स, जो हर रोज की जो जिंदगी भरी की जिंदगी की जो चीजें होती हैं बातें होती हैं उनको वो बात किया करती थी। यहाँ पे बात करें आपको एक एनालॉजी दी गई है अलोन एंड फ्रेंड्स, तो वैसे नथिंग का यहाँ बेटा हो जाएगा एवरीथिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पैराग्राफ को पढ़ा है मेरे हिसाब से यहाँ पे नथिंग की कंपैरिजन में एवरीथिंग आंसर होगा। ब्रिंग माई सेल्फ इसका आपको मीनिंग बताना है फिफ्थ नंबर में, तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टू डू समथिंग विलिंगली। ओके, ये सारे आंसर्स मेरे हिसाब से ये होंगे। अगर फिर भी कहीं पे आपको डाउट लगता है तो प्लीज अपना कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपना आंसर, तो उस पर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा क्या आंसर सही होगा क्या नहीं होगा। मैं अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर होगा शी वॉज इन स्टेट ऑफ पैनिक, कि वाई मिसेज हॉल ट्रिप्ड बिकॉज वो पैनिक की सिचुएशन में थी। सेकेंड की बात करें सो मिसेज हॉल सस्पेक्ट एवरीथिंग इन द रूम वॉज पुट अंडर अ स्पेल विच ऑफ विच क्राफ्ट बाय, तो किसके द्वारा, तो ग्रिफिन यानी कि स्ट्रेंजर यानी कि जो व्यक्ति था वो इसको यहाँ पे आप कह सकते हैं, नहीं ग्रिफिन आप बेसिकली यहाँ पे आंसर बोल सकते हैं, या फिर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ग्रिफिन को क्या बोला गया, स्ट्रेंजर बोला गया है, तो ग्रिफिन ऑब्लिक स्ट्रेंजर या फिर स्ट्रेंजर भी लिखते हैं तब भी आंसर आपको मार्क्स मिलेंगे, ग्रिफिन लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने साइंटिस्ट लिख दिया तब भी आपको बेटा यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। अब यहाँ पे देखिए क्या अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट फीलिंग, उसकी फीलिंग क्या थी, तो मेरा मानना है कि वो स्टंड हो गई थी, और चूंकि स्टेटेड देखिए आपको पहला जो टू एंड फोर ये तो बिल्कुल गलत है, आपको दो ऑप्शन लेकर के चलना है, तो स्टंड बिल्कुल स्टंड हो गई थी वो सीन देखकर जब उनके ऊपर कुर्सी फेंक करके मारी जाती है, एंड स्टेटेड वो काफी परेशान भी हो जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे अकॉर्डिंग सही होगा, 1 एंड 6। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिट का मतलब क्या, सिंपली ये घोस्ट होगा, काफी ईजी क्वेश्चन था, आई होप सबने किया होगा। अब इस पैराग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे पहला देखिए क्या है कि क्रोकोडाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके टीयर्स क्रोकोडाइल के आंसू होते हैं ना भाई आपको पता होगा, हाइना क्या वीपिंग रोने से नहीं, हाइना के लिए बोला गया वो स्माइल करता है मुस्कुराता है, तो वीपिंग यहाँ पे सेंटेंस गलत है हाइना के लिए, ये बेटा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नोविस का मतलब देखिए यहाँ पे बिगनर होगा, कुछ बच्चे लर्नर करें बट लर्नर बेटा नहीं होगा, लर्नर मतलब जो सीख रहा होता है, और नोविस उसको जो नौसिखिया यानी जो सीख चुका है और आप शुरुआत किया उसे बिगनर बोलेंगे, तो लर्नर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए दो ट्रेट्स जो एनिमल्स हैं उनके दो ट्रेट्स दो क्वालिटीज की बात की गई है, तो यहाँ पे आपने देखा हाइना और क्रोकोडाइल इन्हीं दोनों की पैराग्राफ में बात की गई है, तो हाइना के लिए हो जाएगा स्माइल और क्रोकोडाइल के लिए हो जाएगा वीपिंग या फिर टीयर्स, यानी कि वर्ब के हिसाब से स्माइल एंड वीपिंग बेटा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे फिफ्थ की बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नॉन प्लस मतलब जिसका अंदर कंफ्यूज, बट यहाँ पे कंफ्यूज वर्ड ना यूज करके नॉन प्लस क्यों यूज किया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही होगा थर्ड, इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर, उसमें ह्यूमर ऐड करने के लिए और राइम मेंटेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे इस पैराग्राफ में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द विविड स्ट्राइप्स रिफर्स टू, ये विविड स्ट्राइप्स किसको रिफर कर रहा है भाई, वो स्किन जो टाइगर की जो स्किन है उसको रिफर कर रहा है, स्किन ऑफ टाइगर को रिफर कर रहा है, ठीक है। और सेकंड में पूछा गया यहाँ पे लाउड जो है लाउड का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे वेलवेट क्वाइट है ना क्वाइट, तो यहाँ पे आपका ये जो है क्या हो जाएगा आपका लाउड का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पैर्स ऑफ वेलवेट किसको बोला गया, उसके पाँव उसके पंजों को बोला गया है। फोर्थ में देखें तो ये जो स्टेटमेंट है द कॉन्फाइंड माइंड ऑफ द क्रैम्ड स्पेस ऑफ द केज हैज रिस्ट्रिक्टेड द टाइगर्स स्टेप्स, हाँ यहाँ पे बेटा ये सही होगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है भाई, वाकई में पिंजड़े में उसकी जो आज़ादी वो छिन गई है उसी कदम रिस्ट्रिक्टेड होगा, चूंकि जंगलों में खुल करके जीने वाला प्राणी है। तो अब यहाँ देखिए द टाइगर वॉज लर्किंग इन द शैडो, तो शैडो में क्या कर रहा होगा भाई, वो जो है अपने शिकार को फाइंड आउट कर रहा होगा, तो कैच इट्स प्रे। अब ये है भाई आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आई होप ये आपने लिखा होगा, अब इसमें मैं आंसर डिस्कस करके आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, बट यस अगर आप वाकई ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन आए बेटा अगर आप इस पर भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने अगले वीडियो में आपके इन आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें किन किन पॉइंट्स को आपके वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या होंगे, किन किन पॉइंट्स को आप इसमें मेंशन करना
चाहिए था। खैर चलिए सेशन को ब्रेक करते हैं। मैंने बहुत जल्दी मिस इसलिए बताया क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था बेवजह की बातें डिस्कस करके। सीधा आप एक बार आंसर देख लीजिए, पेपर कैसा हुआ वो चेक कर लीजिए और अब यहाँ से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे बच्चा अपने अगले एग्जाम को लेकर के और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दीजिए। आपका पहला पेपर आई होप अच्छा होगा, कहते शुरुआत अच्छी हुई सब कुछ अच्छा ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलिए बच्चा लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।